हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त और होस्ट नूरलैन अख्तर, और आप देख रहे हैं प्रमोट पाकिस्तान। फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिजिटल मार्केटिंग के दो मेजर आर्टिकल्स की बात करूंगा जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर वन कंटेंट राइटिंग, नंबर टू कॉपी राइटिंग। ये दो आर्टिकल हैं, इनको समझे बगैर डिजिटल मार्केटिंग करना बहुत मुश्किल है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमारे पास कंटेंट राइटिंग है। कंटेंट राइटिंग क्या चीज़ है, इसका आपको मैं बताता हूँ कि कंटेंट राइटिंग में हमने ट्रैफिक को अपनी एड पोस्ट जो होती है उसके ऊपर लाना होता है और उसको वहाँ पर एंगेज रखना होता है। मतलब कि ट्रैफिक आए और वहाँ पर स्टे करे। स्टे करने के लिए हमने वहाँ पर ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करना होता है कंटेंट राइटिंग के अंदर, जिससे जो ट्रैफिक है वो कुछ एजुकेट हो, वो कुछ इंफॉर्मेशन गेन करे, वो कुछ इंटरटेन करे। कुछ भी हम उसमें ऐसा मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वहाँ पर स्टे करे। उसको स्टे करवाना जो है वो ज़रूरी होता है। ये तो हो गया कंटेंट राइटिंग। अब बात करते हैं नंबर टू कॉपी राइटिंग की। कॉपी राइटिंग क्या, उसका मकसद भी ट्रैफिक को लाना होता है, लेकिन उसमें एक चीज़ चेंज हो जाती है कि कंटेंट राइटिंग में हमने ट्रैफिक को एंगेज रखना होता है, लेकिन कॉपी राइटिंग में हमने ट्रैफिक को क्लाइंट में कन्वर्ट करना होता है। मतलब कि ट्रैफिक जो आ रही है उसको मटेरियल ऐसा प्रोवाइड किया जाए कि वो उससे इतनी सेटिस्फाइड हो कि वो हमारा क्लाइंट बनने के लिए तैयार हो जाए, हमसे डील करने के लिए तैयार हो जाए। ये दो डिफरेंस हैं इन दोनों के बीच, कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग में। इनको मैंने डिस्कस करना बेहतर समझा। उम्मीद करता हूँ आपको इन दोनों में डिफरेंस जो है वो वाजे हो गया होगा। और हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।